नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में जो EPS 95 पेंशन धारकों का दिल्ली में आंदोलन होने वाला है, तो इसी के बारे में जो है दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो EPS 95 के जो पेंशन धारक है उनका जो अमरण अनशन है वो 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक दिल्ली में होने वाला है, और यहाँ पर जो है वो जंतर मंतर पर आत्माहुति आंदोलन जो है वो 7 दिसंबर 2018 को होने वाला है। तो ये जो आंदोलन होने वाला है दोस्तों अभी दिल्ली में, तो यहाँ पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो EPS 95 के पेंशन धारक है वो अपनी उपस्थिति दर्शाए। तो इसी के लिए दोस्तों ये जो EPS 95 के जो सदस्य है उन्होंने जो EPS 95 के जो पेंशन धारक है तो उनको जो है वो आह्वान किया है। ये जो दिल्ली में अमरण अनशन होने वाला है और जंतर मंतर पर आत्माहुति आंदोलन होने वाला है, तो इस आंदोलन में और अमरण अनशन में जो है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है उपस्थिति दर्शाए ताकि ये जो आंदोलन है वो सफल हो सके। तो इसी के बारे में हम सब इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ये जो डिटेल न्यूज है इसे शुरू करते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले अपडेट के लिए आप जो है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज है वो आपको टाइम पे देखने को मिल सके। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो EPS 95 से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रहा है तो इसी के बारे में जो है वो अभी हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर EPS 95 लेटेस्ट न्यूज ऑन 4 to 7 दिसंबर स्ट्राइक एट दिल्ली, अपील टू EPS 95 पेंशनर्स फॉर पार्टिसिपेशन इन दिल्ली स्ट्राइक। तो यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है तो हमें कम समय में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक वैसी ही स्थिति EPS 95 पेंशन धारकों की है। अपने आंदोलन कार्यक्रम के अनुसार जहां माननीय संसद सदस्य के कार्यालय पर आंदोलन नहीं हुआ तो कम से कम उन्हें प्रत्यक्ष मिलकर अपना निवेदन अवश्य दीजिए। दिल्ली में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के कार्यालय पर होने वाले दिनांक 4 दिसंबर 2018 से 6 दिसंबर 2018 तक अमरण अनशन और दिल्ली में 7 दिसंबर को होने वाले जंतर मंतर पर आत्माहुति आंदोलन के विषय में बताइए, और साथ ही यह भी कहिए कि हम आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, आप हमारी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए प्रयत्न कीजिए। माननीय श्रम मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से संपर्क करके तुरंत ही इसके बारे में जो है हल निकालें। तो यहाँ पर आगे बताते हुए कहा गया है कि कुछ EPS 95 पेंशन धारकों ने अपने अपने संसद सदस्य से दिल्ली स्थित उनके निवास स्थान पर ठहरने के लिए पत्र भी लिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, पूरी क्षमता के साथ अनुशासन का पालन करते हुए प्रभावशाली ढंग से आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपना ज्येष्ठता EPS 95 समाज के प्रति अपना दर्द सिद्ध कराए। आंदोलन में अपनी अपनी धर्म पत्नी यानी हमारी मातृशक्ति को सहभागी करें व साथ में लाना ना भूले। याद रहे माननीय कमांडर साहब ने हम सब पर अपना श्रम, समय व बहुत कुछ न्यौछावर कर दिया है। हमारी एकता की शक्ति, हमारे नेतृत्व की युक्ति व युक्ति की शक्ति हमें शीघ्र ही विजय दिलाएंगे। तो यहाँ पर ये जो EPS 95 के जो पेंशन धारक है उनको जो है वो आह्वान किया गया है कि वो जो दिल्ली में आंदोलन होने वाला है और अमरण अनशन होने वाला है तो यहाँ पर जो है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो उपस्थिति दर्शाए। तो आप जो है दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति जरूर दर्शाए ताकि ये जो EPS 95 के जो पेंशन धारक है उनकी जो मांगे है वो पूरी हो सके, और ये जो अनशन होने वाला है तो इसके जरिए जो है वो उनकी जो गूंज है वो सरकार तक पहुंच सके ताकि उनकी जो मांगे है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में मुझे आपको बताना था। अगर आप इस स्ट्राइक में हिस्सा लेना चाहते हैं तो जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में जो है मुझे आपको डिटेल में बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ये जो वीडियो है दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा जो EPS 95 के जो पेंशनर है उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में जो है उसको पता चल सके और जो है वो अपनी सहभागी इस आंदोलन में जो है वो ले सके। तो बस दोस्तों इस वीडियो में मुझे इतना ही आपको डिटेल में बताना था। ये जो डिटेल आर्टिकल है दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस या व्हाट्सएप पर भी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको टाइम पर जो है वो मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।